हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बाल लंबे रखने चाहते हैं या छोटे, तो ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा, राइट? आप सभी का पर्सनली इंटरेस्ट होगा कि आप बालों को लंबा रखना चाहते हैं या फिर शॉर्ट रखना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या अपने बालों को आप झड़ता हुआ छोड़ना चाहते हैं या फिर आप झड़ने से रोकना चाहते हैं, तो जिनके शॉर्ट हेयर होंगे वो भी और जिनके लॉन्ग हेयर होंगे वो भी, दोनों यही कहेंगे कि नहीं, मुझे अपने बालों को झड़ने से रोकना है और मुझे अपने बालों को झड़ने नहीं देना है। क्योंकि शॉर्ट हेयर हो या लॉन्ग हेयर हो, दोनों तभी अच्छे लगते हैं जब आपके हेयर काफ़ी घने, फ्लफी, ये ऐसे नज़र आए। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर के आई हूँ और ये बहुत ही अमेजिंग है। मैंने खुद इसको ट्राई किया है, देन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर देख लीजिए कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है और आपको इसको कैसे यूज करना है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो इसको जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है ये चावल। जी हाँ, ये कच्चा चावल है, आप सभी के घर में इजीली मौजूद होगा, आसानी से सभी घरों में ये होते हैं। कुछ भी आपको बाहर से लाने की, एक पैसा अलग से खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस कच्चे चावल को आपको अच्छी तरह से धो लेना है। होने के बाद इसको आप पानी में भिगो देंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो चावल होता है, इसके पानी में इनोसिटोल और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो आपके रूखे, बेजान और खराब बालों को ठीक करते हैं। जब आप जो है इस चावल के पानी का यूज करते हैं अपने बालों के लिए, तो उसके बाद क्या होता है कि इनोसिटोल बालों में एक परत का काम करता है और आपके बालों में जो भी क्षति होती है वो एक परत का काम करता है, तो क्षति होने से बचा लेता है। इसके अलावा चावल का पानी में अमीनो एसिड भी पाया जाता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। अब इसे हमें क्या करना है दोस्तों, इसके पानी को आप छान लीजिए, किसी भी ग्लास में रख लीजिए या किसी स्प्रे बोतल के अंदर भर के रख लीजिए। और फिर अब देखिए, जैसे कि मैं इस पानी को इस बोतल में, ये देखिए मैंने भर के रख लिया है, स्प्रे बोतल है और इसी स्प्रे बोतल से मैं बालों पे यूज करूँगी, तो इसलिए मैंने स्प्रे बोतल में ही भर लिया है। अब इस पानी को हम रखेंगे 12 घंटे के लिए अलग, यानी कि बाहर, और 12 घंटे के बाद का देखिए ये है रिजल्ट। 12 घंटे बाद इस तरह से ये फर्मेंटेड हो गया है आपका पानी, अच्छी तरह से देख रहे हैं इस में पानी में कैसे बिल्कुल ऊपर आपको गाज जैसी एक दिखाई दे रही होगी, तो ये इस तरह से हो जाता है। और इसमें जो है स्मेल भी काफ़ी आती है, काफ़ी खट्टी स्मेल आती है। बहुत लोग को ये स्मेल अच्छी भी नहीं लगती है, तो जिन लोगों को ये स्मेल अच्छी ना लगे, ना पसंद आए और वोमिटिंग जैसा फील होने लगे ऐसा कुछ, तो आप इसमें कोई भी एसेंस डाल सकते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में, तो कोई भी एसेंस हो आप डाल सकते हैं, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो ये इनको हम अब यूज करेंगे 12 घंटे के बाद। 12 घंटे के बाद आपको अपने बालों की जड़ों में पूरी लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसको सिर्फ लगाना है आपको अपने बालों के जड़ों में अच्छी तरीके से। इसको लगाने के बाद हल्के हाथों से बालों की मसाज कर दें, बालों की जड़ों की, हल्के हाथों से, बिल्कुल आपको तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथों से मिला दें अपने जड़ों में, पूरी लेंथ में आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए 20 से 25 मिनट के लिए, बालों में लगे रहने दीजिए, फिर आप साफ पानी से धो लीजिए। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इसको लगाने के 15-20 मिनट के बाद, कम ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे इसको आप रख सकते हैं अपने बालों में, आधे घंटे के बाद इसको आपको प्लेन वाटर से, यानी कि
सादे पानी से धोना है, कोई भी शैम्पू यूज नहीं करना है। बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है वो ध्यान से वीडियो को देखते नहीं है कि मैं उनको क्या बताती हूँ, कैसे नुस्खे को आजमाना है। गलत तरीके से आजमाते हैं और गलत रिजल्ट उन्हें मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको शैम्पू नहीं करना, आप पहले शैम्पू कर सकते हैं इसको लगाने बाद में नहीं। वॉश करने के बाद आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि आपके हेयर काफ़ी सिल्की शाइनी हो गए हैं और काफ़ी हैवी वॉल्यूम आपको फील होगा अपने हेयर में। और इसको अगर आप हफ्ते में दो बार यूज करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हेयर फॉल को रोकने के लिए आज मैंने जो आपको रेसिपी बताई है, ये वाकई बहुत ही कमाल की रेसिपी है गाइस। ट्रस्ट मी, आप इसको यूज करिए, आपको फर्स्ट वॉश में ही काफ़ी अच्छा विजुअल रिजल्ट में मिलेगा। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। टिल देन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स में लाइक एंड शेयर जरूर करें। टिल देन गाइस, बाय बाय।